एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अपने गार्डन को इस बरसात के मौसम में एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत और इजी टू ग्रो प्लांट की। फ्रेंड्स, आइए मिलते हैं अपने उस खूबसूरत प्लांट से। फ्रेंड्स, हमारा जो खूबसूरत प्लांट है वो ये है। वैसे तो इस प्लांटर में फ्रेंड्स दो प्लांट लगे हैं जो कि मेरे इस प्लांटर की शोभा को बड़े अच्छे से बढ़ा रहे हैं। फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आज बात करने वाली हूँ आप लोगों से इस खूबसूरत स्पाइडर प्लांट्स की। फ्रेंड्स, जो बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है। जैसे कि मैं अक्सर आपसे वही प्लांट शेयर करती हूँ जिनकी कोई ख़ास मेंटेनेंस नहीं होती है, तो फ्रेंड्स वैसे ही ये प्लांट है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हाइब्रिड वाला है स्पाइडर प्लांट। एक सिंपल आता है ग्रीन, और वैसे तो स्पाइडर प्लांट की कई सारी वैरायटीज हैं फ्रेंड्स, बट ये मेरा हाइब्रिड वाला है। फ्रेंड्स, बड़ा इजी प्लांट है ये, और ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं आता है मार्केट में। आप नर्सरी जाएँ तो मैं फ्रेंड्स इसको 50 रुपीज़ का लेके आई थी। बड़ा छोटा था उस टाइम, और अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फ्रेंड्स इसको लगाए अपने यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा निकल के आया है। और इसमें ये छोटे छोटे स्प्राउट्स निकल के आ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये अलग से निकल के आया है, ये अलग है और ये अलग है। तो फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्प्राउट्स निकल के आए हैं, ब्रांचेस कह सकती हूँ मैं उसको, निकल के आई हैं। तो इसको फ्रेंड्स नीचे से डिवाइड कर सकते हैं, और फ्रेंड्स डिवाइड करके हम इससे एक से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे बास्केट भी बहुत प्यारी बनती है। मैं नर्सरी में माली ने लगा के टांग रखी थी फ्रेंड्स, बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। हाल फिलहाल तो मैंने अभी कोई बास्केट इसकी रेडी नहीं करी है, बट आप लोग चाहें अगर आपके पास में ज़्यादा प्लांट्स रखने की जगह नहीं है, तो फ्रेंड्स ये हैंगिंग के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसको हैंग कर सकते हैं, बास्केट ना हो तो फ्रेंड्स इसको बॉटल्स में भी लगा सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत लगता है बॉटल में। तो दूसरी बात करती हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ये खूबसूरत कोलियस है, इसके अंदर मैंने लगा दी थी कटिंग, काफ़ी टाइम पहले लगाई थी फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम पहले क्या फ्रेंड्स, मैंने इसको सर्दियों में लगाया था, जो पिछली सर्दियाँ गई हैं, और सर्दियों में फ्रेंड्स लगाने के बाद ये उसी में लगा रह गया। और मैंने इसको फ्रेंड्स ऐसी किसी भी जगह नहीं रखा था कि बड़ी सेफ़ है, ये जैसे नॉर्मल रखा हुआ था। धूप अच्छी खासी पड़ती थी, तो मैंने आपको शायद अपनी वीडियो में दिखाया भी हो, इसके जो कलर्स हैं वो फ्रेंड्स सर्दियों में ऑरेंज हो गए थे इसकी लीव्स के, और अभी आप देख सकते हैं दो कलर हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, और जितने भी मेरे बहन भाई वीडियोस देखते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, उनको भी इस बात का आइडिया हो गया होगा कि फ्रेंड्स एक कोलियस ही इतना खूबसूरत प्लांट है कि फ्रेंड्स ये अपने कलर्स इतनी खूबसूरती से बदल लेता है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। तो ये कोलियस एक तो बड़ा हार्डी कोलियस है फ्रेंड्स, ये वाला। बहुत सारे कोमल कोलियस होते हैं जो कि उनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से बचते हैं, नहीं तो ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये कोलियस, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, जैसे एडिसिस लगा हुआ है ये, कोई कटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा मैंने। इसकी जो ब्रांचेज आप देख रहे हैं कितनी लंबी लंबी हो गई हैं, और इसकी ब्रांचेज में जो पत्तियाँ थी वो देखो कहीं पीली होके धूप में झड़ भी गई हैं। अब इसमें न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गई है, और इसकी जो कलर्स हैं फ्रेंड्स वो भी कहीं ना कहीं लाइट होने स्टार्ट हो गए हैं। फ्रेंड्स, बड़े डार्क कलर थे इसके, तो जो समर्स में इसके कलर बिल्कुल डार्क हो जाते हैं, और अब जैसे मौसम बदल रहा है तो ग्रीनरी आने स्टार्ट हो गई है इसमें फ्रेंड्स। और कहीं ना कहीं समर्स में तो आपको पता ही है कि मैंने आपको दिखाया भी था एक वीडियो में कि डार्क हो गए थे, पर अब ये ठंडा मौसम होते ही जितने भी मेरे यहाँ कोलियस हैं सबके कलर्स चेंज हो रहे हैं फ्रेंड्स। और इसके तो आपको पता ही है विंटर्स में ऑरेंज कलर हो जाएगा और बड़ा ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स। तो ये कोलियस की कटिंग का बहुत बेस्ट सीजन है। अगर आप लोगों के पास कोलियस है फ्रेंड्स, तो आप उसकी ज़रूर कटिंग लगाएं। मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में इस बात के लिए कहती रहती हूँ कि कोलियस ही क्यों, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आप कटिंग लगाएं, जिनकी आपको जानकारी है कि कटिंग से लगते हैं, जिनकी नहीं भी है उनको भी आप फ्रेंड्स ट्राई करें कटिंग लगा के। मैं आप लोगों को इंकरेज करती हूँ वीडियो के माध्यम से कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई प्लांट्स जाएं नर्सरी से ख़रीद के ही लाएं फ्रेंड्स। ट्राई टू अगेन एक्सपीरियंस के लिए फ्रेंड्स आप कटिंग से प्लांट्स लगाएं।
बहुत सारी कटिंग ऐसी हैं जो हमें आइडिया नहीं होता है फ्रेंड्स कि कटिंग से लगती है ये प्लांट्स, या फिर इसको हम सीड्स से ग्रो करते हैं, कैसे करते हैं हमें नहीं पता होता है। बट टाइम पास के लिए ही सही, थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कटिंग्स लगाने के लिए हमें कोई स्पेशल पॉट चाहिए होता है, नहीं फ्रेंड्स, स्पेशल किसी भी पॉट की ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी प्लांटर पड़ा है, जिस प्लांटर में आपने कोई प्लांट लगा रखा है उसके आइट साइड में वो कटिंग लगा दें। अगर हो गई फ्रेंड्स, तो जाहिर सी बात है आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और दूसरा फ्रेंड्स आपके यहाँ एक अच्छी कटिंग बगैर नर्सरी जाए आपको मिल जाएगी। तो आप भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देखें फ्रेंड्स पूरा, और देखने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, और ट्राई ज़रूर करें फ्रेंड्स इस बरसात में कटिंग्स। जो भी प्लांट्स आपको बहुत पसंद हैं उस प्लांट्स की कटिंग लगाएं एक बारी, चेक करें, ज़्यादा नहीं इतनी बड़ी बड़ी कटिंग्स लगा के ट्राई करें। आई होप कि आपकी जो कोशिश है वो कामयाब होगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ अपने गार्डन में। मुझे कोई भी प्लांट्स अगर पसंद आ जाता है फ्रेंड्स, तो मैं उसकी कटिंग अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ उसकी एक कटिंग ले आती हूँ, उसकी मुझे नॉलेज है या नहीं है उसकी कटिंग लेकर आती हूँ, और फ्रेंड्स अपने किसी भी प्लांटर्स में लगा देती हूँ और छोड़ देती हूँ। और फ्रेंड्स जब वो निकल के आती है तो आई होप कि इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक प्लांट लाई थी और वो लग गया। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप भी ऐसा कोशिश करें, और एक प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसी वीडियो में कि मैं उसको जब लेके आई तो मुझे बिल्कुल भी फ्रेंड्स आइडिया नहीं था। आइए मिलते हैं उस प्लांट से भी जो मैंने कटिंग से लगाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, ये प्लांट मेरा बड़ा ही खूबसूरत गार्डन का प्लांट है। इसमें फ्रेंड्स 5-6 कलर्स आते हैं। अभी तो इसमें न्यू ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गई हैं नीचे से। ये देखिए, मैं आपको इसका स्पेशल वीडियो बना के दिखा चुकी हूँ फ्रेंड्स। इसमें काफ़ी सारे गुलाबी कलर होता है, रेड होता है, और ये डार्क दो आप देख ही रहे हैं, ग्रीन होता है, वाइट होता है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स निकल के आते हैं इस प्लांट में फ्रेंड्स। और मैं कहीं डॉक्टर के पास गई थी फ्रेंड्स, और वहाँ डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर फ्रेंड्स ये पॉट इसका बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। तो मुझे इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि ये कटिंग से होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, और आप विश्वास कीजिए मैं इसकी 4 इंचेस की कटिंग वहाँ से निकाल करके ले आई थी, पिछली बरसात में लाई थी और मैंने इसको लगा दिया था फ्रेंड्स, और बड़ी खूबसूरती से ये आज मेरे यहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं हो रहा है ना। इसका नाम फ्रेंड्स डेविल स्पेकबॉर्न है, और उसी की तरह है फ्रेंड्स, मुझे तो वही प्लांट लगता है ये डेविल स्पेकबॉर्न। अगर आपको इसका कोई कंप्लीट नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो फिर ज़रूर इसको लाइक भी करें, और फ्रेंड्स ट्राई भी करें आप जो मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजीली मिलती रहे। अच्छी अच्छी जानकारियाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स। और मिलते हैं फिर आपसे किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।